मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के निर्देशानुसार मध्य प्रदेश के सभी जिलों सहित दतिया जिले में भी किसान न्याय यात्रा का आयोजन 20 सितंबर को होने जा रहा है। वहीं ग्राम कुमेड़ी के हनुमान मंदिर से प्रातः 10:30 बजे से प्रारंभ होगी। किसान न्याय यात्रा के प्रभारी गुड्डू राजा बुंदेला मुख्य अतिथि होंगे। वहीं दतिया कांग्रेस जिलाध्यक्ष राम किनकर गुर्जर ने बताया कि प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर किसान विरोधी सरकार के विरुद्ध किसान न्याय यात्रा निकाली जा रही है। वहीं सेवड़ा के पूर्व विधायक घनश्याम सिंह ने बताया कि प्रदेश में किसानों के साथ हो रहे अत्याचार, फसलों का बीमा की राशि, MSP व किसान समस्याओं को लेकर प्रदेश भर में किसान न्याय यात्रा निकाली जा रही है। वहीं कुछ दिनों पहले हुए अति बारिश के चलते किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है, जिसको सर्वे कराकर उचित मुआवजा देने की मांग भी रखेंगे। किसान न्याय यात्रा ट्रैक्टरों के द्वारा झड़िया, सेवड़ा चुंगी, रिछरा फाटक, आनंद टाकिज, किला चौक, बड़ा बाजार, टाउन हॉल, गांधी रोड, तेगेलिया, राजगढ़ चौराहा, पीतम्बरा पेट होते हुए पुराने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपेंगे। देखिए, इसमें किसान आएंगे ट्रैक्टरों को लेके। ट्रैक्टर रैली है पूरे तीनों विधानसभा क्षेत्रों के। कुमेड़ी के हनुमान जी के मंदिर पर एकत्रित होंगे, जो 10-12 किलोमीटर है दतिया से। तो 10-12 किलोमीटर की ट्रैक्टर रैली होगी और उसमें फिर यहाँ आकर पुरानी कलेक्ट्रेट पर कलेक्टर को ज्ञापन दिया जाएगा। ये पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस कमेटी का कार्यक्रम है। हर जिले में रैली निकाली जा रही है, किसान रैली, किसानों की समस्याओं को लेकर। किसानों को भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, चाहे प्रदेश की हो चाहे केंद्र की हो, वो बिल्कुल मूर्ख बनाने का काम कर रही है। उनको 4,000 और 6,000 10,000 रुपये किसान सम्मान निधि दे दी और उसी का वो सोच रहे हैं कि इसी में किसान खुश हो जाएं और हमें वोट देते रहें, जबकि जितना सम्मान निधि दे रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा उनको किसानों को नुकसान पहुंचा रही है भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ। एक तो MSP का कानूनन अधिकार देने को ये तैयार नहीं है। दूसरी चीज, खाद बीज के जो रेट बढ़े हैं, खासतौर से खाद के, उसी का आप एवरेज लगा लो तो 10,000 से ज़्यादा तो हर किसान को नुकसान ही है। तीसरी बात, जो MSP ये कानूनन हक नहीं दे रहे हैं उसके कारण वाजिब मूल मार्केट में नहीं मिल पाते हैं, इससे किसानों का बहुत नुकसान है। बिजली और पानी तो अलग बात है, बिजली का कोई ठिकाना नहीं है, पानी का कोई ठिकाना नहीं है। किसान इतनी मेहनत करके कैसे भी करके फसल पैदा करता है, उसको उचित दाम नहीं मिलते हैं, ये सारी बातें। हाँ, काफ़ी नुकसान हुआ है इसमें। हाँ, ये मांग भी रहेगी उसमें, स्थानीय मांग में, जिले की मांग में ये प्रमुख रूप से रहेगा कि ये अतिवृष्टि के कारण जो नुकसान हुआ है उसका पूरा जल्दी से जल्दी सर्वे कराया जाए और उसका मुआवजा दिलाया जाए, उसका राहत राशि किसानों को बांटी जाए नियम के अनुसार, RBC के नियम के अनुसार। जिन किसानों का बीमा है, बीमा कंपनियां कभी प्रीमियम तो ले लेती हैं लेकिन राशि देती नहीं है, उसमें अधिकारी लोग हमेशा बीमा कंपनी का पक्ष करते हैं और उसका लाभ किसानों को लगभग शून्य मिल रहा है। तो बीमा की जो फसलें हैं उसमें भी पूरी राशि दिलाई जाए और दूसरा RBC के तहत राहत राशि दिलाई जाए। कच्चे मकान गिर गए बहुत लोगों के, गरीबों के, मजदूरों के, किसानों के, उनको भी राहत राशि दिलाई जाए, ये सारी मांगे हैं हमारी। नहीं, परेशान तो सभी जगह हैं, दतिया में थोड़ा ज़्यादा है, ये बात सही है, लेकिन परेशान तो सभी जगह हैं। दूसरी तरफ लगातार किसानों के साथ हो रहे अन्याय अत्याचार, चाहे वो उनको MSP नहीं दी जा रही हो, चाहे धान का, सोयाबीन का, मूंगफली का, गेहूं का जो उचित मूल्य, उनको समर्थन मूल्य नहीं दिया जा रहा है, किसानों के साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, इन किसानों के हित में हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी की मंशा अनुसार हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी जी के निर्देशन में प्रदेश स्तर पर हर जिला मुख्यालय पर किसान न्याय यात्रा निकाली जानी है, जो 20 तारीख को हमारे दतिया जिले में भी निकाली जाएगी। उस यात्रा के माध्यम से इस प्राकृतिक आपदा में हुए किसानों के नुकसान की मांग, गरीबों के नुकसान की मांग को लेकर के हम सभी जिले के किसान भाइयों से, कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों से आह्वान करते हैं कि उस यात्रा में वो शामिल हों, जो 20 तारीख को शहर के करीब 5-10 किलोमीटर पद यात्रा निकाल करके ज्ञापन जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया जाएगा। दतिया से यूडी न्यूज के लिए विनोद कुशवाहा की रिपोर्ट।